वन sec थीटा टू प्लस sec थीटा टू sec थीटा थ्री एंड सो ऑन sec थीटा एन माइनस वन sec थीटा एन इज इक्वल टू कितना है tan थीटा एन माइनस tan थीटा वन अपॉन साइन डी है ना। ये प्रूफ करना है हमें, नहीं ए पी जी पी एच पी का क्वेश्चन है, ए पी का क्वेश्चन है। अच्छा थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री किसमें, क्वेश्चन तो पढ़ी भाई सारे बच्चे का। ए पी में है ना थीटा वन थीटा टू और ये सब किसमें हो गए, ए पी में हो गए। सो ऑन थीटा एन आर एन ए पी ठीक है। अब इसमें तुम देखो आरएचएस क्या रहा है, आरएचएस को ध्यान से देखो। आरएचएस में सबको ऐड करने पे एक तो टेन थीटा एन आ रहा है ना, और एक क्या रहा है, एक आ रहा है हमारा टेन थीटा वन आ रहा है ठीक है। भाई आरएचएस पे ध्यान दो, आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हमें इसमें करना क्या है कि हमें इनको ओपन करना पड़ेगा, किसको समझते रहो भाई आप लोग, sec थीटा वन sec थीटा टू को है ना, इनको हमें ओपन करना पड़ेगा। और इसको किसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा वन tan थीटा टू के डिफरेंस में लाना पड़ेगा। सुनो भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। अभी मुझे आरएचएस में क्या दिख रहा है, आरएचएस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे tan थीटा n आ रहा है और क्या रहा है tan थीटा वन आ रहा है। इसका मतलब एक यहाँ से वैल्यू आ रही है ना, और एक वैल्यू कहाँ से आ रही है, एक वैल्यू यहाँ से आ रही है, कौन सी tan थीटा वन। तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज क्या करेंगे आपस में, अरे कैंसिल हो जाएंगी ना भाई, समझ क्यों नहीं पा रहे तुम लोग। यहाँ पे क्या है tan थीटा n आ रहा है और क्या रहा है tan थीटा वन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक टर्म यहाँ से आ रहा है और एक टर्म कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और इस सबको उठा के क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इसके इसके टर्म आपस में क्या हो जाएं, कैंसिल होते चले जाएं और फाइनली इसका पहला टर्म बचेगा और इसका कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट टर्म। समझ में आया, तो सारी बातें समझ में आ रही है कि अगर किसी तरह से मैं इसको किसको sec थीटा वन sec थीटा टू को है ना, अगर मैं sec थीटा वन sec थीटा टू को किसके टर्म में लिख दूं, tan थीटा वन और tan थीटा टू के टर्म में लिखूं, तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी ठीक है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताएं कि sec थीटा वन है ना और इनटू sec थीटा टू को है ना आप लोगों को किस फॉर्म में लाना है, इसको आपको कुछ tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू टाइप में लाना है ठीक है। अच्छा अपॉन में कितना आ रहा है बताओ, अपॉन में वैल्यू कितनी आ रही है, अपॉन में कितना है साइन डी, और डी का मतलब कितना हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन है ना, बल्कि उल्टा लिख गया। अगर मैं किसी तरह से इसको जो वैल्यू लिखी हमारी क्या लिखी हुई है sec थीटा वन इंटू sec थीटा टू, इसको इधर ले आते हैं किसको साइन डी को उधर ले आते हैं ठीक है। इस वैल्यू को मुझे किसी तरह से कुछ tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू टाइप में प्रूफ करना होगा, समझे यार। अगर इस साइन डी को मैं लेके यहां चला जाऊं किधर इस साइड में, तो क्या आएगा बताइए, sec थीटा वन sec थीटा टू इंटू साइन डी। अगर इसको कुछ मैं अभी मुझे आइडिया नहीं, मैंने ऐसा दिख दिया है कि ये कुछ tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन आएगा या फिर tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू ये, फिर ये कितना आएगा बताओ, अरे ये आएगा tan थीटा टू माइनस tan थीटा थ्री टाइप कुछ, ये क्या आएगा अगला tan थीटा थ्री माइनस
और उन सबके एक एक टर्म्स क्या होंगे आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। फाइनली बचेगा क्या बताओ, यहां का टेन थीटा एन बचेगा और यहां का क्या बचेगा, यहां का बचेगा टेन थीटा वन, यहां का टेन थीटा एन बचेगा और यहां का टेन थीटा वन बचेगा। ठीक है, तो एक काम करो पहले इसको साइन डी से मल्टीप्लाई करो, है ना, और मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी बैठेगी। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसको sec थीटा वन इंटू sec थीटा टू और इंटू साइन में कितना है, अरे भाई साइन में कितना है, हाँ थीटा वन नहीं थीटा टू माइनस थीटा वन। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये जो वैल्यू आ रही है साइन डी से यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप मुझे कुछ टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन टाइप में दिखाओ। चलो ट्राई मारो एक बार, इसको क्या ले सकते हो, अब तुम्हें टेन लाना है ना यार, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा बताओ, ये वन अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा टू बन जाएगा। और इसमें क्या अलग कर सकते हो, इसका तुम्हें फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूला लगाओ यार, देखो कुछ दिख रहा है, गौरी आया आपका कुछ, अमन कितना आया, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, या टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा बना रहे हैं, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू ये कितना बनेगा बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको इसके नीचे लेके चले जाते हैं, तो साइन थीटा टू कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा टू साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। ये बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, और आ जाते हैं स्कूल में तो प्रैक्टिस करके जानी पड़ी। एपी जीपी का क्वेश्चन तो पता है बच्चे खूब पढ़ते हैं, कहते हैं सर एपी जीपी आ गया, स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है एपी जीपी में, बस हमें लगता रहता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्योंकि स्कूल में जो क्वेश्चन आते हैं ना पीछे से सॉल्व एग्जाम्पल से आ जाते हैं, और जब तक आपने किया नहीं होगा ना, तो मैथ्स का ही होता है स्कूल में, तो आपका देखा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो बच्चा मैथ्स बहुत ढंग से कर रहा है ना, उसको पेपर में सारे क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे बिल्कुल, ये समझ लो आप। अनसीन क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, है ना। कितना आगे बताओ भाई, ये कट गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो क्या है बताइए, क्या बन गया ये, टेन थीटा टू माइनस कितना, टेन थीटा वन। ये हमने प्रूफ कर दिया है ना, किसकी वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू ये निकाली। एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे देखिए आप, सारे बच्चे ध्यान दिए कि हमने प्रूफ किया है कि sec थीटा वन sec थीटा टू इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन। इसको नीचे लेके चलाते हैं, किसको, sin d को नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो अभी पूरा क्वेश्चन हवा में नहीं हो रहा है भाई, मुझे हिंट मिल रही थी क्वेश्चन की, ऐसा होता है कि हवा में क्वेश्चन क्या हो रहा है, मुझे सीधे से हिंट मिल रही थी कि यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, tan थीटा n आ रहा है और क्या आ रहा है tan थीटा वन, तो मुझे समझ में आ गया कि यार इसको मुझे डिफरेंस में लिखना पड़ेगा, किसको, जो ये वाला टर्म है उसको मुझे tan थीटा वन और tan थीटा टू के डिफरेंस में लिखना पड़ेगा, फिर उन डिफरेंस में से एक एक टर्म क्या होंगे कैंसिल होते चले आएंगे, यहाँ का पहला टर्म बचेगा और यहाँ का क्या बचेगा लास्ट टर्म। तो मुझे ऐसे हिंट मिली, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की। अब देखो क्या होगा बताओ आप, अब इनको सबको ऐड करते हैं, बताइए अब अगर तो भाई sec थीटा वन sec थीटा टू की प्लेस पे कितना लिखेंगे बताइए आप,
कितना लिखा गया है, टेन थीटा टू माइनस कितना, टेन थीटा वन अपॉन कितना, साइन डी प्लस, बोलो इसके प्लेस पे कितना आएगा, बोलो भाई, अरे बोलते भी नहीं सुन लो, कितना आएगा इसके प्लेस पे, हाँ टेन, हाँ माइनस अपॉन साइन डी, ठीक है, अगला कितना आएगा बोलो, अरे भाई तुम क्या करते हो यार, इसके बाद अगला टर्म कितना आएगा, नहीं बता पा रहे हो, सीरीज बन रही ना यार, टेन थीटा फोर माइनस अपॉन, दिख रहा है यार टू से वन हो गया तो फिर थ्री से टू हो गया फिर फोर से थ्री हो जाएगा, चलो सबसे लास्ट वाला बताओ ये कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, सो ऑन ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो, अच्छा लिख लो फिर बोलो भाई तुम लोग, देख चलो लिखो अपनी कॉपी, टेन थीटा एन, यार ये लिखा हुआ है ना यहां से हिंट नहीं ले पा रहे हो, क्यों यहां से आपको हिंट मिलनी चाहिए, कितना आएगा अपॉन कितना, अपॉन साइन डी आएगा, अब क्या कैंसिल हो रहा है बताओ सबको, क्या कैंसिल हो रहा है, टेन थीटा टू से टेन थीटा टू कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा थ्री से ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे, समझे, और लास्ट में यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा बताओ, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो क्या आ गया अपॉन कितना आ गया, अपॉन साइन डी, प्रूफ हो गया, कब होने का, जब आपने कम से कम एक दो बार इसको क्या कर रखा हो, सॉल्व कर रखा हो तभी, और तुमको कहता है कि कोई बच्चा इतना तेज थोड़ा ना होता है कि वो एक बार देखे और सीधे कर ले, किसी से नहीं होते ये, हो जाते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम, तो ऐसा कोई नहीं होता कि कितना भी तेज हो कि इस क्वेश्चन को देखे और विद इन 5 मिनट सॉल्व कर दे, दिमाग भिड़ाओगे, कभी कभी हो जाता है एक आध बार, है ना, वही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स ला रहे तो, ये तो शायद मैंने कल क्लास में करवाया था मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ क्या क्या है रीड करना एक बार, तो थ्री नंबर्स जीपी में कैसे लेते हैं, और ए बाई आर, ए और ए आर ऐसे लेते हैं थ्री नंबर्स, लेबड़ा स्क्वायर नहीं लगे, आएगा नहीं आंसर, कल यही तो बता रहा था कि जब जीपी में मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से नंबर नहीं लोगे तो क्या होगा, आर एक आ जाएगा ना, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, आर कट जाएगा सीधे, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मैंने शायद क्लास में जरा करवाया था मैंने, कितनी वैल्यू दी है, सम 38 है, मल्टीप्लीकेशन बताओ पहले कितना है, कितना मल्टीप्लीकेशन, 1728, तो क्या आएगा ये, ए कितना आ गया यहाँ से, ए 12 आ गया, नहीं लेना बेटा वैसे नहीं लेना, आएगा नहीं आंसर, वही तो कल समझा रहा था आपको, हाँ आ गया तो लंबा पड़ेगा, इससे कर तो इजी हो जाएगा, ठीक है चलो सेकंड भी ऐसा ही, और आपने जो फिफ्थ पूछा है ना वो भी सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ट्राई कर लेना, ना है तो मुझे बताना एक बार, इसका अर्नव ने मुझे भेजा कौन सा क्वेश्चन है भाई, किसका, इसी पेज पे सिक्स क्वेश्चन, चलो भाई कौन सा क्वेश्चन है 20.2 का, ट्वेंटी पॉइंट टू में पहले बताओ, अच्छा 20.2 में थर्ड, चलो भाई थर्ड क्या कर रहा भाई, थर्ड में क्या दिक्कत है बताओ, मुझे कैलकुलेशन चेक करो यार, मुझे क्वेश्चन सारे एक जैसे ना,
चलो देखो भाई थर्ड क्वेश्चन किसी का सॉल्व हुआ, 20 पॉइंट हुआ थर्ड। हाँ बेटा 20.2 का थर्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्या आया, सम कितना दिया है इसमें बताओ, देखें देखें, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, क्या आएगा सिक्स में भाई, रीड करना यार, तुम ना एक्टिव बैठा करो, फिर क्लास का ना वो गड़बड़ हो जाता है, क्लास वाइब्रेंट नहीं रहती ना। मैं बोला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो आप बातें कर रहे हो। देखो सिक्स में क्या करा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 14, चलो इसमें कैसे भी ले लो आप, मल्टीप्लीकेशन तो इसमें है नहीं, तो ए ले लो ए आर और ए आर स्क्वायर। ए बाई आर से भी जाएगा, ए बाई आर ले लो, ए आर ले लो, सम कितना है इनका 14 है, तो ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इज 14 है ना, ए कॉमन ले लो आप तो कितना आएगा 14। अच्छा इफ द फर्स्ट टू टर्म्स आर ईच इंक्रीज बाय 1, इसको मैंने 1 बढ़ा दिया किसको, ए बाई आर प्लस 1, और इसको कितना कर दिया ए प्लस 1, और तीसरा वही रहा कितना ए आर, पहले दो को बढ़ाया ना 1 1, तीसरा वही रहा कितना ए आर। अब ये सीरीज किस में होगी बताओ, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं बता तुमको क्या है, ये किस में हो गए नंबर्स, एपी में हो गए ना, ठीक है तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन रही है ना, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनेगी क्वेश्चन बताओ, अगर नंबर एपी में, तो अब ये 3 नंबर एपी में है और इनमें आपको एक क्वेश्चन बनानी है, इनमें आपस में ए आर में, देखो एक ही क्वेश्चन हमारी ए आर में बन चुकी है ऑलरेडी, एक ही क्वेश्चन हमें यहाँ से बनानी है और ये एपी में, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, तो दूसरी बेटा ये दिया ना कि ये नंबर्स एपी में हैं, तो आपको यहाँ से ए और आर में एक इक्वेशन आनी पड़ेगी, फिर उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब एपी में अगर 3 टर्म्स हैं तो आपको क्या समझ में आता है, डिफरेंस सेम होगा उनका, बताओ ये समझ में आ रहा क्या लिखती है, बताओ पहले, अरे ये समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया, कहाँ सम लिखा है यार, अरे मेरे भाई दिस टर्म माइनस दिस टर्म ये कॉमन डिफरेंस आ गया ना, दिस टर्म माइनस जिसे कॉमन डिफरेंस आ गया, सेम नहीं हुआ कॉमन डिफरेंस, अब तुम ये सब स्ट्राइक नहीं कर रहा, तुम लोग थक गए हो तुम लोग, ठीक है क्या है बताओ, यहाँ पे कितना क्या ए माइनस ए बाई आर आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उधर कितना आएगा बताओ, ए आर माइनस ए माइनस 1, ये क्वेश्चन आएगी ना, हाँ ये ट्राई करके आओ, सारे बच्चे ना इनको ट्राई करके आओ ना, आप बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैम इनका सबका होमवर्क चेक करो यार, है ना, दिस माइनस दिस है ना, और दिस माइनस दिस हमने सेम कर दिया, समझे क्यों सेम, क्या सबको समझ आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, रिया क्लियर हो पॉइंट, क्योंकि मैं इक्वेशन बना रही हूँ और मैं अगर 3 टर्म एपी में है और मैं आपको इक्वेशन बना रही हूँ, तो आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि उनमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा भाई तुम लोग, ठीक है इसको इधर ले आते हैं सारे टर्म्स को, तो 2a माइनस ए बाई आर माइनस ए आर इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1, लेके भाई सेकंड इक्वेशन आप लोग, हम्म
इस माइनस ए को इधर ले आए तो टू ए बन गया, इस ए आर को इधर, हाँ ये क्या बताया बताओ कैसे लिखी इक्वेशन, सेम आएगा ना कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म ये सेकंड ये थर्ड, इक्वेशन ये बन गई यहाँ से। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई, इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या होता है बताओ, अगर आपको दो अननोन है तो कैसे सॉल्व करोगे आदित्य बताओ, दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है तो आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब दो इक्वेशन को देख के देखो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई वाला बच्चा, बड़ा डिवाइड करने वाला होगा तब करेंगे ना, अब यहाँ पे वन अपॉन आर है ए है, सीधी सी बात है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे एक वैल्यू उठा के दूसरे में क्या करो पुट कर दो, है ना। अब ये कोई वैसी इक्वेशन तो है नहीं कि इसमें दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, एक्स वाई हुई उनके कोफिशेंट बराबर करके ऐड सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। और समझ आ रहा है कि यार इसमें ए निकालते हैं, है ना, यहाँ से ए कितना आएगा बताओ आप, यहाँ से ए कॉमन ले लो आप, यहाँ से सारे बच्चे ए को कॉमन ले लें, ए को कॉमन ले लो कितना आएगा बताइए, टू माइनस टू बाई आर एंड माइनस कितना आर, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस वन, तो यहाँ से ए कितना देगा, माइनस वन अपॉन टू माइनस टू बाई आर माइनस आर, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस टू प्लस टू बाई आर प्लस आर, तो वन अपॉन आर माइनस टू प्लस टू बाई आर, ऐसे ही बन जाएगा ये ए की वैल्यू अभी, ठीक है। इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो किस में, इससे क्या होगा बताओ, पूरी इक्वेशन आर में बच जाएगी तभी तो सॉल्व कर पाओगे आप ना, तो यहाँ से ए निकाल के पूरा यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पुट करेंगे आप तो क्या आएगा बताइए, देखो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप लोग ना फ्रैक्शन रक्शन में मैंने देखा है कि आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, कॉमन लेना माइनस साइन ये सब एरर्स बहुत होती है आप लोगों की, तो ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कितनी, प्लस टू बाई आर और इंटू कितना है, वन बाई आर प्लस इज इक्वल टू 14, है ना। ऊपर सॉल्व करते हैं कितना आएगा, इसमें एलसीएम आर हो जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, आर स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ भी एलसीएम आर लेते हैं कितना बचेगा बताओ, ये आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस टू इज इक्वल टू कितना 14, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू माइनस टू आर इज 14, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आर स्क्वायर प्लस टू माइनस टू आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 आर स्क्वायर प्लस 28 माइनस 28 आर, इसको इधर ले आओ आप, 13 आर स्क्वायर माइनस 29 आर, कैलकुलेशन चेक करना भाई एक बार, आप लोग कैलकुलेशन दिमाग बंद करके बैठते हो पूरी कैलकुलेशन भी कभी कभी गलत हो जाती है, ये ज़ीरो भाई चेक करो, किसी बच्चे ने सॉल्व किया और मुझे बताया कि आर की इक्वेशन बन रही है, एक बार चेक करना पूरी इक्वेशन यहीं पर, हाँ एक बार को चेक कर लेता हूँ मैं, गड़बड़ हो गया पूरा क्वेश्चन जाएगा फिर, टू ए ऐसे बाई आर माइनस ए आर एस माइनस वन, ठीक है ए कॉमन ले लिया, टू माइनस वन बाई आर माइनस आर, ध्यान देते रह करो, ए कॉमन लिया पे कितना आएगा, वन बाई आर वन बाई आर, तो
आर माइनस टू प्लस वन बाई आर, तो वही बनेगी इक्वेशन एक बार। किस पे वन टू को ऐड करने पे? कितना आता है यहाँ पे? माइनस आर माइनस वन बाई आर ए बाई आर कैंसिल हो जाएगा और ए आर ठीक है, ऐड कर दो यार, थोड़ा इजी पड़ेगा है ना, दोनों को ऐड मार देते हैं। किसको? फर्स्ट और टू को। वहाँ थोड़ा सा चेक करना चाहिए था यहाँ पे, अगर इनको ऐड करते तो क्या होगा बताओ? नहीं वहां से भी आ जाएगी आर की वैल्यू, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस। ये कितना था हमारा, ये कितनी वैल्यू है? ए बाई आर, ए बाई आर, और ये कितना आ रहा है? प्लस ए, और प्लस ये कितना आ रहा है बताओ? ये ए आर, ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी मेथड हो गया। और ए की क्वेश्चन हमारी ये हो गई है ना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से अगर इनको ऐड करें तो? ए अपॉन आर और ए आर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मेथड इजी हो जाएगा, वन और टू को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे कौन कौन कैंसिल हो गए भाई, समझ रहे हो आप लोग? बाद में बोला कि सर क्या कर दिया, आप लोग बीच में ध्यान नहीं देते हो, एकदम से पूछते हो। देखो वन और टू को मैं ऐड मार रहा हूँ, ठीक है, ये ए से ए जाएगा, नहीं सॉरी ए से ए नहीं जाएगा, ए आर से ए आर जाएगा, इस ए बाई आर से ये बाई आर जाएगा, ये प्लस टू ऐड होगा कितना आ जाएगा? थ्री ए, और थ्री ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्टीन, और माइनस वन कितना? थर्टीन, तो ए कितना हो गया? थर्टीन बाई थ्री, ठीक है। लंबा उतना ही बैठेगा क्योंकि जब ए की वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ पे? यहाँ पे, तो फिर क्वाड्रेटिक तो बनेगी बनेगी है ना, चाहे यहाँ क्वाड्रेटिक बना लो चाहे वहाँ क्वाड्रेटिक बना लो है ना। तो चलो ए की वैल्यू पुट कर दो भाई, थर्टीन बाई थ्री, और आर निकालो, अब देखो कितना आ रहा है आप लोग। एक बार वेरीफाई कर लो यार ये कितना आ रहा है क्वेश्चन का, सारे बच्चे बार वेरीफाई करें कि आंसर में क्या ये 13 बाई थ्री आ रहा है, जीपी में ए की वैल्यू 13 बाई थ्री आ रही है। अरे आदित्य तो वेरीफाई करो यार, देखो मैंने बोला, हाँ कितना रह रहे हो, ए कितना रहा है चेक करो उसमें, बहुत स्लो है यार तुम लोग। इसलिए टू नहीं आ रहा है,